Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we will read the poem of chapter 4 of Beehive class 9 English book, and this poem is named as The Lake Isle of Industry and it is written by William Butler Yeats. तो ये बहुत ही फेमस पोयम है विलियम बटलर यीट्स की. तो ये पोयम है ऐसे प्लेस के बारे में जहां उन्होंने अपना बॉयहुड स्पेंड किया था. ठीक है, अब वहां ये दोबारा जाना चाहते हैं. ठीक है, अब ये वहां क्यों जाना चाहते हैं? वहां पोइट जाना चाहते हैं क्योंकि ही वॉन्ट्स पीस. ठीक है, उन्हें शांति चाहिए, उन्हें क्या कहना चाहिए, उन्हें ट्रैंक्विलिटी चाहिए, इसलिए वो अब वो जाना चाहते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं. This well-known poem explores a poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. तो यहाँ लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, यहाँ पे आइल का जो मीनिंग है दैट इज आइलैंड. ठीक है, आइलैंड को लिखा गया है आइल. तो ये वेल नोन पोएम एक्सप्लोर करती है पोइट्स की लॉन्गिंग. लॉन्गिंग फॉर का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर. और ट्रैंक्विलिटी का मींस होता है ए पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइज वायलेंस एंड वरी, यानी आप कह सकते हैं पीस, शांति. ठीक है, तो ये वेल नोन पोएम है इनिसफ्री, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पोइट की. तो इसमें पोइट चाहते हैं कि उनको शांति चाहिए. ठीक है, उनको इच्छा है इनिसफ्री की, उस शांति को एक्सप्लोर करने की. अब इनिसफ्री क्या है? इनिसफ्री एक प्लेस है जहां उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था जब वो एक बच्चे थे, यानी अपना बॉयहुड उन्होंने वहां पे स्पेंड किया था. दिस पोयम इज ए लिरिक. ठीक है, ये पोयम जो है लिरिकल है, यानी ये वर्थ सिंगिंग पोयम है, रिदमिक पोयम है. तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसे. I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade. ठीक है, तो poet अब क्या कहना चाहते हैं? Poet कहना चाहते हैं I will arise and go now, मैं अब उठूंगा और जाऊंगा, and go to Innisfree, और मैं Innisfree चला जाऊंगा. ठीक है, Innisfree से आई. And a small cabin built there of clay and wattles made. Wattles का मतलब है twisted sticks for making fences and walls. तो वहां पे वो, और small cabin का मतलब है यहाँ पे आप room कह सकते हैं या cottage कह सकते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर एक छोटा सा cottage बनाऊंगा या छोटा सा वहां पे room बनाऊंगा. किसका बनाऊंगा? Clay का, यानी मिट्टी का. And wattles, wattles होती है twisted sticks. ठीक है, ऐसी ट्विस्टेड स्टिक्स जो फेंसेस या वॉल्स बनाने के लिए यूज की जाती हैं. तो वो कहते हैं कि मैं वहां पर इनिसफ्री में एक छोटा सा कॉटेज बनाऊंगा, छोटा सा रूम बनाऊंगा जो क्ले का बना हुआ होगा, मिट्टी का बना हुआ होगा और वेटल्स का बना हुआ हो. अब वो वहां रहेंगे तो उनको क्या चाहिए? वहां पे उनको फूड की जरूरत भी होगी. तो इसके लिए वो क्या करेंगे? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी. तो वहां पर वो बीन की 9 रोज जो है ग्रो करेंगे फॉर हिज कंजम्पशन. ठीक है, अपने फूड के लिए. तो वहां पर 9 बीन स्पेसिफिक उन्होंने जो नंबर दिया है कि वो 9 बीन की रोज लगाएंगे. ठीक है, और फूड के लिए. और एक क्या लगाएंगे? वो हाइव लगाएंगे हनी बीज का, ताकि उनको हनी जो है फ्रेश हनी वहां से मिल सके. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. बी लाउड का मतलब है साउंड ऑफ बीज ऑल अराउंड एंड ग्लेड मीन्स क्लियरिंग ओपन स्पेस. और वो कहते हैं कि मैं वहां अकेला रहूंगा, लिव अलोन, मैं वहां अकेला रहूंगा उस ग्लेड में, यानी उस ओपन स्पेस में, इन ओपन स्पेस में जहां पे बी लाउड, बी लाउड का मतलब है जहां पर चारों तरफ क्या है, हनी बीज की साउंड ही सुनाई देती. तो इस पूरे स्टेंजा का मतलब ये है कि पोइट कहते हैं कि मैं अभी उठूंगा और मैं जाऊंगा और मैं इनिसफ्री चला जाऊंगा और वहां पर मैं एक स्मॉल कॉटेज बनवाऊंगा जो क्ले यानी मिट्टी और वेटल्स की बनी हुई होगी. वहां पर मैं बीन की रोज लगाऊंगा, वो भी कितनी? 9 बीन की 9 रोज लगाऊंगा अपने फूड के लिए और एक हनी बी का हाइव वहां पे ग्रो करूंगा ताकि उनको हनी जो है मिलता रहे. और उस प्लेस में, इनिसफ्री के उस ओपन स्पेस में वो अकेला रहना चाहते हैं जहां पर
बीज की जो साउंड है हर समय उनको सुनाई देती रहती हो, क्योंकि इन सब चीजों से उनको क्या मिलेगी, उन सब चीजों से उनको पीस मिलेगी और ट्रैंक्विलिटी उनको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो शहरों की जो भाग दौड़ है उससे वो दूर जाना चाहते हैं शांति की तलाश में इनमें फ्री, ठीक है। तो अब हम इसकी राइमिंग स्कीम भी साथ में देखते चलते हैं। तो देखिए इसका लास्ट वर्ड है यहाँ पे फ्री, और इसी तरह से यहाँ पे साउंड करते हैं हम बी, फ्री बी। तो इस तरह से इनकी जो रिद्म है वो मैच करती है, तो हम इसको डिनोट करते हैं ए से, इसीलिए हम हनी बी को भी डिनोट करते हैं ए से। अब इसका आप लास्ट वर्ड देखिए सेकंड लाइन का मेड, इसका लास्ट वर्ड है ग्लेड, मेड ग्लेड। तो यहाँ पर जो इनकी राइम्स है वो मैच करती हैं, इसलिए हम ए के बाद इसको डिनोट करते हैं बी से, तो इसी तरह से हम इसको डिनोट करते हैं बी से, ठीक। तो इस स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम होती है दैट इज ए बी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी फिगर ऑफ स्पीच यानी पोएटिक डिवाइसेस में, तो हमने देख लिया राइमिंग स्कीम और हम इसकी अब फिगर ऑफ स्पीच भी देखते चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन में है गो गो, ये दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो यहां पर होता है रिपीटेशन। ठीक है, और क्या देखिए यहां पर आप देख सकते हैं हैव में एच एच एच, और यहाँ पे हनी बी का भी एच, ये भी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एलिट्रेशन, ठीक है। जब कोई लेटर या कोई कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होता है तो वहां पे होता है एलिट्रेशन। इसी तरह से आप कह सकते हैं फोर्थ लाइन में लाइफ यानी लिव, एल 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 और एल, यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होता है एलिट्रेशन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते, अब पोइट क्या कहते हैं, पोइट कहते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, ठीक है। तो अब पोइट कहते हैं आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पर कुछ शांति मिलेगी, इन फ्री में कुछ शांति मिलेगी, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, लेकिन जो शांति है जो पीस है वो धीरे धीरे आती है, यानी एक एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, शांति जो है वो पीस जो है एकदम से नहीं मिलती है, धीरे धीरे मिलती है, ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। व्हाट इज वेल्स, वेल्स है एक क्लोथ कवरिंग द हेड एंड द फेस मोस्टली वोर्न वोर्न बाय विमेन, यानी जो विमेन है अपना हेड और फेस कवर करने के लिए जो क्लोथ वो पहनती हैं उसको कहते हैं वेल्स, जिसको आप हिंदी में घूंघट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पर जो वेल्स वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे मीनिंग है इसका क्लाउड, तो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जिस तरह से जो हमारी मॉर्निंग होती है जो सुबह होती है वो क्लाउडी होती है, ठीक है, क्लाउड से ढकी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह ने मॉर्निंग ने घूंघट पहना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किया है वेल्स को क्लाउड से, यानी मॉर्निंग को दिखाया गया है कि मॉर्निंग ने घूंघट पहना हुआ है जिसके पीछे जो सुबह का टाइम है वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जहां पर मॉर्निंग ने क्या पहना हुआ है, घूंघट पहना हुआ है, और वेयर क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट मतलब क्या है, एक स्मॉल इंसेक्ट है दैट मेक्स ए लाउड नॉइस बाय रबिंग इट्स विंग टुगेदर, ठीक है। तो आप हिंदी में क्रिकेट को झिंगुर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे शांति मिलेगी वहां पे, कैसे, मॉर्निंग ने वेल्स पहना हुआ है, मुझे उस टाइम पर जब सुबह ने बादलों का घूंघट पहना हुआ है, और शांति किस चीज से मिलेगी उन्हें, जब क्रिकेट जो है सिंगिंग करेंगे, यानी जो झिंगुर है जो स्मॉल इंसेक्ट है झिंगुर, जब वो उसकी आवाज को सुनेंगे तो उनको पीस मिलेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, ग्लिमर मीन्स ए वीक लाइट दैट इज नॉट ए स्टीडी या ट्विंकलिंग, ए ट्विंकलिंग लाइट इज नॉट इज ग्लिमर। तो वहां पे दोपहर रात में मिडनाइट में क्या हो रहा होगा, यानी जो मिडनाइट है वहां पे ग्लिमर कर रही होगी, यानी ट्विंकलिंग लाइट होगी मिडनाइट को, एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर में क्या हो रहा होगा, दोपहर में जो सनलाइट होगी वो पर्पलिश ग्लो दे रही होगी,
ठीक है। वैसे जो है वहां पर जो इनिस्फ्री का जो उन्होंने एटमोस्फियर बताया है, तो वहां उन्होंने जो दोपहर को जो सनलाइट का जो कलर शो किया है, दैट इज उन्होंने शो किया है कि वो पर्पलिश ग्लो कलर की है, ठीक है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। लिनेट क्या है? लिनेट ए स्मॉल ब्राउन और ग्रे बर्ड होती है विद ए शॉर्ट बीक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। तो वो कहते हैं शाम को जब लिनेट बर्ड जो है उनको स्काई में, आकाश में उड़ती हुई दिखाई देगी, तो उनको इस सीन से क्या मिलेगी? इससे उनको पीस मिलेगी। तो इस पूरे स्टेंजा का कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मैं इनिस्फ्री जब चला जाऊंगा तो मुझे वहां कुछ शांति मिलेगी, और वो जो पीस है वो धीरे धीरे ही मिलती है। और उनको ये पीस किस किस चीज से मिलने वाली है? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी क्लाउडी मॉर्निंग को उन्होंने मॉर्निंग के घूंघट से कंपेयर किया है, ठीक है। जब सुबह का टाइम हो रहा होगा, जहाँ पे बादल छाए हुए होंगे, तो इससे उनको शांति मिलेगी। और जब जो क्रिकेट है, जो झिंगुर है, जो उसकी आवाज वहां पर हो रही होगी, तो उससे भी उनको पीस मिलने वाली है। तो वहां पे मिडनाइट में क्या होगा? मिडनाइट जो है ग्लिमर होगी, यानी वहां पे ट्विंकलिंग लाइट होगी मिडनाइट में, किसकी? स्टार्स की, ठीक है। और दोपहर में क्या होगा? दोपहर में जो सनलाइट होगी वो पर्पलिश ग्लो दे रही होगी। और इवनिंग में क्या हो रहा होगा? जो लिनेट बर्ड है वो स्काई में जब उड़ रहे होंगे, तो इन सबको देखकर उनको शांति मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम राइमिंग स्कीम देखते हैं। देखिए यहाँ पे है स्लो और यहाँ पर है ग्लो, ठीक है। दोनों की जो रिद्म है वो सेम है, तो हम इसको डिनोट करते हैं ए से, और ग्लोब को भी डिनोट करते हैं हम ए से। इसी तरह से हम देखते हैं ये सिंग्स और दैट इज विंग्स, ठीक। तो इसको हम डिनोट करते हैं बी और इसको हम डिनोट करते हैं बी। तो यहाँ भी इस स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए बी ए बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं। देखिए इसी तरह से यहाँ पर पीस और पीस ये वर्ड रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे भी होता है क्या? रिपीटेशन। ठीक है। और हमें क्या देखते हैं? देखिए वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पे कंपेयर किया गया है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। और इसी तरह से दिखाते हैं क्रिकेट सिंग्स, ठीक है, यानी जो झिंगुर है उसको सिंगिंग करते हुए दिखाया गया है। तो दोनों ही जो चीजें हैं वो एक्चुअली पर्सोनिफाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब पोइट क्या कहते हैं लास्ट स्टंजा में? आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद स्लो साउंड्स बाय द शोर। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। तो अब पोइट क्या कहते हैं? आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूंगा और अभी जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ठीक है, और मैं जो है हमेशा के लिए, यानी पूरे दिन पूरी रात वहीं रहने वाला हूँ। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। लैपिंग मीन्स है ए जेंटल साउंड ऑफ वाटर, एंड शोर यानी लैंड एट और नियर द एज ऑफ द सी, ठीक है। जो समुद्र के जो किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, जो एज होता है, उसको शोर कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं वहां पर क्या करूंगा? जो वहां पर लेक बह रही है, इनिस्फ्री में जो लेक बह रही है, उसके पानी की आवाज सुनूंगा मैं, ठीक है। जो जेंटल साउंड ऑफ वाटर, उसको लैपिंग कहा गया है। जो वहां पर लेक बह रही है, उस लेक के पानी की आवाज सुनूंगा। जब उस लेक के पानी की जो लहरें हैं किससे टकराएंगी? शोर यानी किनारे से टकराएंगी। तो जब वो आवाज करेंगी मैं उसको वहां पर सुनूंगा। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, ठीक है, जब मैं रोड वे पर खड़ा होऊंगा, यानी मैं जब मैं सड़क पर खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट का मतलब है पाथ नेक्स्ट टू द रोड, यानी जिसको हम कह सकते हैं फुटपाथ, ठीक है। फुटपाथ को ग्रे फुटपाथ कहा गया है, ग्रे पेवमेंट कहा गया। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं रोड वे पर, यानी रोड पर खड़ा हुआ होऊंगा, या मैं ग्रेश फुटपाथ पर खड़ा होऊंगा, तो आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। कोर यानी सेंट्रल या इनर मोस्ट पार्ट। तो ये जो पानी की आवाज हो रही है, लेक वाटर की आवाज हो रही है, किनारे से टकराने की जो साउंड हो रही है, मैं इसको सुनूंगा अपने डीप हार्ट्स
कोर से यानी अपने हार्ट की डेप्थ से यानी गहराई से मैं इस आवाज को सुनने वाला हूं। और इससे उनको क्या मिलेगा, इन सब चीजों से उनको पीस मिलने वाली है। ठीक है, तो पूरे संज्ञा का मतलब ये है कि पोइट कहते हैं कि मैं अभी उठकर दोबारा जाऊंगा, ठीक है, और अभी इन्निसफ्री चला जाऊंगा जहाँ रात और दिन मैं वही रहूंगा, और जब लेक के वाटर की जो आवाज है जो शोर से टकराने के बाद पैदा हो रही है मैं उनको वहां पर सुनूंगा। और कब सुनूंगा, जब मैं रोड पर खड़ा होऊंगा या मैं फुटपाथ पर खड़ा होऊंगा, तब इन आवाजों को, इन साउंड्स को मैं डीप हार्ट से सुनूंगा यानी अपने हार्ट की गहराई से सुनूंगा, यानी बहुत ध्यान से बहुत मन लगाकर इन आवाजों को मैं सुनने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सब चीजों से पोइट को क्या मिलने वाली है, पोइट को शांति मिलने वाली है। यानी वो इन्निसफ्री क्यों गए हैं, इन्निसफ्री गए हैं वो टाउन्स की जो जो शहरों की जो भीड़ भाड़ है, जो भाग दौड़ है, जो वहां पे शोर है, उससे बचने के लिए वो इन्निसफ्री जाना चाहते हैं शांति की तलाश में। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी देखते हैं। देखिए, इसका वर्ड है डे एंड दैट इज ग्रे, डे ग्रे, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए, तो हमने ग्रे को भी डिनोट किया, हमने इस लाइन की जो राइमिंग स्कीम है उसको भी डिनोट किया हमने ए से। अब देखिए, इसका लास्ट वर्ड है शोर एंड इट इज कोर, शोर कोर, तो इसको हमने नाम दिया बी, तो इसको भी नाम दिया हमने बी। तो इस संज्ञा की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेक वाटर, एल 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 रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। ठीक है, तो चलिए अब इसकी समरी भी देख लेते हैं इस पोएम की। समरी से आपको इस पोएम का जो पूरा मीनिंग है, जो पूरी एक्सप्लेनेशन है, वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। In this poem, the poet talks about the island of Innisfree, where he has spent his boyhood. तो इस poem में जो poet जो है बात कर रहे हैं एक island के बारे में, वो island का नाम है Innisfree, जहां उन्होंने अपना boyhood अपना spend किया था, यानी बहुत लंबा समय जो उन्होंने वहां पे spend किया अपने बचपन का। This place is still in his memories. अब ये place जो है उनकी memories में अभी तक है, वो इस place को अभी भी याद करते हैं। तो द पोइट डिजायर्स टू गो देयर, अब पोइट वहां पर जाना चाहते हैं दोबारा, एंड वॉन्ट्स टू बिल्ड ए स्मॉल हाउस मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स, और वहां पर वो क्या करना चाहते हैं, एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, छोटा सा कॉटेज बनाना चाहते हैं जो क्ले और वेटल्स का बना हुआ हो। ही सेज दैट ही वुड ग्रो 9 रोज ऑफ बीन्स फॉर हिज फूड एंड विल हैव ए बीहाइव टू गेट हनी। वो कहते हैं कि वो वहां पर अपने फूड के लिए 9 रोज ग्रो करेंगे बीन्स की, ठीक है, और वहां पर एक बी हाइव भी उनको वो एक ग्रो करेंगे ताकि उनको हनी जो है वो मिलता रहे अपने फूड के लिए। देयर ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन पीस, वहां वो बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं बिल्कुल शांति से। फर्दर ही सेज दैट इन हिज फ्री ही विल फील पीसफुल एंड काम, तो आगे कहते हैं कि इन हिज फ्री में वो बिल्कुल पीसफुल फील करेंगे और काम यानी शांत फील करेंगे। एंड ही ऑल्सो मेंशंस दैट द पीस इज फेल्ट स्लोली फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, और वो ये भी मेंशन करते हैं पोयम में कि जो पीस है वो धीरे धीरे फील होती है, धीरे धीरे मिलती है उन्हें सुबह से लेकर शाम तक। व्हेन इट इज क्लाउडी इन द मॉर्निंग इट अपियर्स एज इफ द मॉर्निंग हैज वोन ए वेल, तो वो कहते हैं कि जब क्लाउडी मॉर्निंग होती है यानी जब सुबह है, जब उसमें बादल छाए हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह जो मॉर्निंग है उसने क्या पहना हुआ है, घूंघट पहना हुआ है, यानी जो मॉर्निंग है वो बादलों के पीछे छिपी हुई है। ही ऑल्सो सेज दैट द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ क्रिकेट विल ऑल्सो ब्रिंग हिम पीस, वो ये भी कहते हैं जो क्रिकेट है यानी जिसको हम झिंगुर कह सकते हैं, उसका जो मेलोडियस सॉन्ग है, जो झिंगुर की आवाज है, उसको वो बहुत उनको अच्छी लग रही है, ये भी उनको पीस देने वाली है। इन द आफ्टरनून द पर्पलिश ग्लो ऑफ सनलाइट विल गिव हिम पीस, और आफ्टरनून में जो सनलाइट का पर्पलिश ग्लो है उससे भी उनको पीस मिलेगी। इन द इवनिंग व्हेन द लिनिट बर्ड विल फ्लाई इन द स्काई देन अगेन ही विल फील पीसफुल, तो वो कहते हैं शाम को जब लिनेट बर्ड आकाश में उड़ती हुई उनको दिखाई देगी तो उसे देखकर भी वो पीसफुल फील करेंगे।
Now the poet states that he will go to the lake island of Innisfree for all day and night. तो अब पोइट कहते हैं कि वो लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री चले जाएंगे पूरे दिन और रात के लिए, यानी पूरा टाइम वो वहीं रहने वाले हैं. देयर द साउंड ऑफ लेक वाटर व्हिच स्ट्राइक्स द शोर विल गिव हिम पीस. और वहां पर जो लेक वाटर की जो साउंड है जो किनारे से यानी शोर से टकरा कर पैदा होती है तो उससे भी उनको शांति मिलेगी. मोर ओवर व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोडवे और ऑन द ग्रेश पेवमेंट्स ही हियर this sound from the deep of his heart. और जब वो roadway पर खड़े हुए होंगे या greyish pavement पर खड़े हुए होंगे तो ये lake water की जो sound है वो इसको अपने दिल की गहराइयों से भी सुनने वाले हैं, ठीक है, ताकि उनको peace मिले. इसलिए वो Innisfree जाना चाहते हैं इन सब चीजों की वजह से. तो गाइज आई थिंक आपको इसकी एक्सप्लेनेशन इस पोएम की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और ये समरी आपको हेल्पफुल होगी आपके आंसर्स लिखने में. तो बने रहिए हमारे साथ. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.